कविता। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कविता व्याख्या। कवि कहता है कि मैंने 1947 के बाद बहुत से लोगों को अपने अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होते देखा है। वे लोग गलत हथकंडे अपनाकर मालामाल हो गए हैं। मैंने उन्हें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते देखा है। लोगों ने आर्थिक संपन्नता के लिए झूठ, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि का रास्ता अपना लिया है। चारों ओर स्वार्थपरता का वातावरण बनता चला गया। इस माहौल में ईमानदार लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हो गए हैं। जब कोई 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तब मैं जान लेता हूँ कि मेरे आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। उसके हाथ फैलाने में यह स्वीकार करने का भाव है कि मैं विवश हूँ, एक कंगाल या कोड़ी हूँ, अथवा यह भाव होता है कि मैं अच्छा भला स्वस्थ हूँ, कामचोर और एक साधारण धोखेबाज हूँ। तात्पर्य यह है कि भीख मांगने वाला या तो वास्तव में अत्यंत लाचार होता है, अथवा स्वस्थ होते हुए भी कामचोर या छोटा मोटा धोखेबाज हो सकता है, पर वह अपनी असली रूप बिना किसी धोखे के प्रकट कर देता है। कवि कहता है कि उस याचक के मन में यह स्वीकृति का भाव भी होता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे संकोच पूर्वक या लज्जा के साथ, अथवा परेशान होकर या क्रोधित होकर दिए गए दान के सहारे ही जीवित हूँ, अथवा उसका जीवन दूसरों के दान पर ही निर्भर है। चाहे दान देते समय मनुष्य के मन में कैसी भी भावना रही हो, इस तरह हाथ फैलाते हुए वह यह भाव प्रकट कर देता है कि मैंने तुम्हारे सामने आत्मसम्मान को खो दिया है, मैंने लज्जा का भी त्याग कर दिया है और मैंने सारी आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। इस प्रकार मैंने हर प्रतिस्पर्धा से स्वयं को हटा लिया है। मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। अर्थात धन कमाने की लालसा उन्नति के रास्ते से स्वयं को हटा लिया है। तुम्हारी राह का बाधक नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ दो या ना दो, परंतु कम से कम एक आदमी से तो चिंता मुक्त रह सकते हो। अर्थात तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। कविता। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहाते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमने, जैसे शमी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेश देखा था अंतिम बार।
और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम, कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम कह नहीं सकते। न तो हमें कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया ही नहीं, हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। कविता व्याख्या। कवि कहता है जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वह हमसे भी और दूर चली जाती है। यह स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है जैसे युधिष्ठिर को दीनता पूर्वक ऊंचे स्वर में पुकारने के बावजूद विदुर और भी दूर घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। वह युधिष्ठिर के पुकारने पर भी नहीं रुकते। सत्य शायद यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कवि कहता है कि सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है, वह कभी भी हमें दिखाई देता है और कभी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। हम उससे यह कहते ही रह जाते हैं कि रुको, यहाँ हम हैं। अर्थात सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। जब तक हम उसे अनुभूत कर पाते हैं तब तक लुप्त हो चुका होता है और हम उसे रोकने के लिए पुकारते रह जाते हैं। कवि धर्मराज युधिष्ठिर और नीतिज्ञ विदुर के खांडव प्रस्थ के प्रसंग का उल्लेख करके बताता है, धर्मराज युधिष्ठिर बार बार दुहाई दे रहे थे कि स्वामी विदुर ठहर जाइए, मैं आपका सेवक कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ, परंतु वह उसकी पुकार को अनसुना कर देते हैं और वहाँ नहीं रुकते। इसी प्रकार हमारे रोकने पर भी सत्य नहीं रुकता, वह हमारी आँखों के सामने से ओझल हो जाता है। किस प्रकार सत्य हमारे हाथ से, हमारी पकड़ से बाहर हो जाता है। कवि बताता है कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। जब हम युधिष्ठिर के सामने दृढ़ संकल्प के साथ सत्य की खोज में उसके पीछे लग जाते हैं तब एक ना एक दिन वह कुछ सोचकर रुक जाता है। अंततः लगता है कि सत्य हमें देख रहा है, हम भी उसे केवल देख पाते हैं, उससे कोई संवाद नहीं कर पाते। उस समय वह कहीं और देखती हुई नजर से हमारी आंखों में देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे अंतिम बार देख रहा हो। इस प्रकार सत्य से हमारा अंतिम साक्षात्कार होता है। उस समय उसमें से एक हल्का सा प्रकाश जैसा आकार निकलकर हम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात हम सत्य को अनुभूत कर लेते हैं। तब सत्य हमें अपनी प्रकाश से भर देता है, फिर हमको उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह हमारे अंदर समा जाता है। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसा ही समा जाता है जैसे विदुर ने शमी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान जैसे देखते हुए भी पहचान कर अंतिम बार बिना पलक झपकाए देखा था, तब उनका प्रकाश उनमें से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर से मिल गया था। दृढ़ संकल्प से तलाशने पर सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश भर देता है। कवि कहता है कि सत्य का साक्षात्कार होने के बाद भी हम सिर झुकाकर निराश अवस्था में लौटते हैं। हम यह सोचते हैं कि सत्य हमसे बोला नहीं, हमने उसे अपने आकार से निकलते और हमने विलीन होते देखा अवश्य, तथा फिर वह आगे बढ़ गया। किस प्रकार सत्य की उपस्थिति के बारे में हमारे मन में संशय बना रहता है। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे पास आया तो हमारे अंदर कोई कपकपी नहीं हुई, ना कोई जबर हुआ, ना कोई कंपन हुआ, ना किसी विशेष ऊष्मा की अनुभूति हुई, अर्थात हमने अपने अंदर किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं किया। हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि सत्य हमारे अंदर समाया अथवा नहीं। हमारी आत्मा में भी कभी कभी जो विशेष दीप्ति आ जाती है, क्या वह आत्मा को आंतरिक शक्ति सत्य से प्रकाशित हो जाने के कारण है? जैसे कि यदि विदुर कहना चाहता तो वही बता देते। युधिष्ठिर ने मुकुट पहने सिर को नीचे किए हुए सोचा होगा खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। इनकी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं
और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी गई है। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। सारांश, प्रस्तुत कविता से हमने सीखा, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।